आगे बढ़ते हैं. वेन सेम अमाउंट्स आर विदड्रॉन मंथली बट पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स, जो मैं बोले जा रहा हूँ आपको बार बार कि अगर पीरियड 12 मंथ से कम होगा तो जो आप रटते हो 6.5, 6 एंड 5.5 वो काम नहीं आएगा. अब उसका एक एग्जाम्पल देखने का टाइम आ गया है बच्चों, ये ध्यान से देखते रहिए और जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है उसको भी ध्यान से सुनते रहिए. ए स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 May 2015. ही ड्रू रुपीज 1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम. बच्चों इस पूरे क्वेश्चन में जो खतरनाक बात है वो ये है कि 1 May को बिजनेस स्टार्ट हुआ है. अगर बिजनेस पंडित जी के कहने से मुहूर्त के अकॉर्डिंग 1 May को स्टार्ट किया है तो क्लोज तो अकाउंटिंग पीरियड जब एंड होता है 31 मार्च को तभी करना पड़ेगा, तो ये तो 12 मंथ्स नहीं बन रहे, तो हमारी एन की वैल्यू अब चेंज होने वाली है. तो पीरियड क्या हो गया, एन प्लस 1/2, यही सीखा था हमने, एन प्लस 1/2 मंथ्स, तो 11 मंथ्स हैं प्लस 1/2 तो ये हो गया 12/2, 6 मंथ्स. तो अब हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो उसने कितने मंथ्स ड्राइंग किए, 11 मंथ्स, ये ध्यान रखना बच्चों 11 मंथ्स ड्राइंग किए. तो 11 × 1000 ये तो उसने ड्राइंग किया है, पीरियड हमें लेना है 6 मंथ्स, अपॉन में 12 ही आएगा क्योंकि रेट पर एनम है, इंटू आर बाय 100. तो ये बच्चों केस टीएस ग्रिवाल में भी दो क्वेश्चन गिवन है, इसके ध्यान रखना है पीरियड अगर 1 ईयर से कम है तो आप वो जो 6.5, 6 एंड 5.5 लेते हैं वो मत लीजिए, आप पहले कैलकुलेट कीजिए, जो आंसर आएगा वो उतने मंथ्स लेने हैं आपको. अपॉन में 12 इसलिए आ रहा है क्योंकि रेट पर एनम है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ. केस 4 है हमारा व्हेन सेम अमाउंट्स आर विदड्रॉन क्वार्टरली. बच्चों क्वार्टरली सेम अमाउंट का मतलब ये है कि पार्टनर्स बड़े परेशान हैं, खुद ही मंथली ड्रॉइंग कर करके उन्होंने अपनी कैपिटल बहुत कम कर लिया. फैसला हुआ कि भाई क्वार्टरली विड्रॉ करेंगे क्योंकि स्कूल की फीस भी, बच्चों की स्कूल की फीस भी क्वार्टरली जाती है और बाकी भी एक्सपेंसेस क्वार्टरली हैं, तो ऐसा करते हैं क्वार्टरली विड्रॉ करते हैं. अब उसमें भी तीन बातें हो सकती हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, यानी क्वार्टर स्टार्ट होने की पहली जो डेट होती है उसी को निकाल लेते हैं, या क्वार्टर के मिड में निकालते हैं, या क्वार्टर के एंड में निकालते हैं. तो अगर हर क्वार्टर की बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं तो पीरियड हो जाएगा एन प्लस, ये देख रहे हैं एन और टू हर जगह है, एन प्लस क्या हो जाएगा, एन प्लस एक क्वार्टर में बच्चों 3 महीने होते हैं तो एन प्लस 3 हो जाएगा. ठीक है, तो एन प्लस 3/2. अगर पूरे 12 मंथ्स हैं तो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 12 + 3/2 7.5. लेकिन हमेशा याद रखना है कि 7.5 हो सकता है गड़बड़ हो जाए अगर पीरियड 12 महीने से कम का है, तो ध्यान रखना है पीरियड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको डेट बड़े ध्यान से पढ़नी है कि बिजनेस 12 मंथ चला था भी या नहीं. अच्छा, ये वाला हमेशा सेम रहेगा, एन बाई टू करेंगे तो हमेशा आंसर 6 ही आएगा मिड में, लेकिन एंड ऑफ एवरी क्वार्टर में एन माइनस 3 क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं. मैं आपके सामने क्वाड्रेंट बना देता हूं, 3, 3, 3 एंड 3, ये 12 मंथ्स बनते हैं बच्चों, तो इसलिए एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, इसलिए हमने यहां पे भी 3 पुट किया. अब इसको बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं है. चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं. अगर ये एन पूरे साल बिजनेस चला है तो 12 - 3/2 करेंगे तो हम ये हो जाएगा 4.5 मंथ्स. ये मंथ्स है बच्चों, ध्यान रखना. अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल करते हैं. देखिए एग्जाम्पल है, ए ड्रू रुपीज 1000 क्वार्टरली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम. ठीक है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है वो भी 1000, तो टोटल ड्रॉइंग कितनी करेगा वो, देखिए मैं इसको क्वाड्रेंट बना के दिखाता हूँ. 1000, 1000, 1000, 1000, तो टोटल ड्रॉइंग तो 4000 ही होगी, चाहे तीनों में से कोई भी केस हो, बस पीरियड चेंज होता जाएगा. ठीक है, तो 4000 निकाल रहा है हर पीरियड, हर क्वार्टर के बिगनिंग में, यानी इस डेट पे. ठीक है, तो 1000 × 4 ये टोटल ड्रॉइंग्स है हमारी,
और पीरियड कितना लेना है हमें, 7.5/12 इंटू 10/100, तो ये हमारा आ जाएगा क्वार्टर इन द बिगिनिंग ड्राइंग्स, क्वार्टरली इन द बिगिनिंग के केस में आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए हम लास्ट केस करते हैं हमारा, केस 5, व्हेन सेम अमाउंट्स आर विड्रॉन हाफ ईयरली। बच्चे देखिए, अगर मंथली ड्राइंग हो सकती है तो क्वार्टरली भी हो सकती है, और क्वार्टरली हो सकती है तो हाफ ईयरली भी हो सकती है। ये थोड़े रिच टाइप के पार्टनर्स हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, जिनको सिर्फ 6 महीने में ही पैसे की ज़रूरत पड़ती है। शायद कहीं घूमने के लिए जाते होंगे, साल में 2 बार जाते हों, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने इसको भी इन्वॉल्व करा है। क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इसके CBSE में, ना के बराबर मान लीजिए आप। तो इसमें क्या है कि वो 6 महीने बाद विड्रॉ करते हैं, और पॉसिबिलिटी ये है कि वो बिगिनिंग में करते हो, मिड में या एंड में, जैसे हमने पहले किया था। तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर में पीरियड होगा एन प्लस कितना बच्चों, सोचिए, N+6, क्योंकि जब क्वार्टरली में हमने 3 लिया था, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो हाफ ईयरली में 6 मंथ्स होते हैं, तो ये N+6 हो गया। तो अगर पीरियड 12 मंथ्स का, मतलब अकाउंटिंग ईयर पूरा कंप्लीट है, तो 12+6/2, तो ये 9 आ जाएगा हमारा आंसर, 9 मंथ्स। ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे N-6/2, तो इसका भी एक केस कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखा हुआ है, राम ड्रॉज ₹10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पहले पीरियड फाइंड करते हैं, अगर आपने लर्न कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फाइंड कर लीजिए। बिगिनिंग है तो N12+6/2, तो ये आ गया हमारा 9 मंथ्स। तो हम निकाल देंगे 9 मंथ्स का, लेकिन ड्रॉइंग कितनी होंगी बच्चों, साल में 2 बार, क्योंकि 2 हाफ ईयर आते हैं, 10,000 विड्रॉ करते हैं साल में 2 बार, 9/12 × 10/100, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। और पीरियड अगर 12 मंथ से कम है तो एन की वैल्यू चेंज कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट।